नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर से जो माहौल है, जो रसाकसी है, वो काफी तेज हो गई है। वहां पर फायरिंग की भी खबरें लगातार आ रही हैं। बीती रात से देर रात चाइना का जो प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर है, माउथपीस है, ग्लोबल टाइम्स के जरिए खबर आई कि उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने जो पेंगोंग लेक है उसके साउथ किनारे पर वहां पर एक जगह पर एलओसी पार करने की कोशिश की और भारत ने पहले फायरिंग की। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि चाइना अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलता है, सुबह उस झूठ का पर्दाफाश हुआ। आर्मी की तरफ से ये कहा गया, इंडियन आर्मी की तरफ से जवाब आया कि भारत की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई, बल्कि चीन की जो सैनिक है वो एलओसी पार करने की कोशिश करते उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। बहरहाल फायरिंग हुई है और पिछले लगातार कई दिनों से बातचीत करने की भी कोशिश चीन कर रहा है और एक तरह से इस तरह का एग्रेशन भी दिखा रहा है। इन तमाम इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो ये हरकत 7 तारीख को हुई है, यानी कल जो हुई है, इसका क्या मायने निकालने चाहिए? देखिए, मैं पहले तो आपकी बात से सहमत हूं कि चाइना एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसका जो एक माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, वो बात को हमेशा मोड़ तोड़ के उल्टा ही कहता है। लेकिन मैं जो पहले कहना चाहता हूं, एक दो बातें, उसके बाद उस बात पे हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो आज चाइना इंडिया के बीच में, लद्दाख सेक्टर के बीच स्थिति बहुत गंभीर और नाजुक बनी हुई है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एट द रेजर्स एज। कहने का मतलब है कि कहीं भी एक छोटी चिंगारी बड़ी में बदली हो सकती है और धीरे धीरे ये एक लड़ाई या युद्ध का रूप ले सकती है। तो आज वो स्थिति बनी हुई है। इंडिया चाइना के बीच में जो फोर्सेस हैं वो दोनों तरफ से तैयार बैठी हैं। काफी दिनों से ये चल रहा है सिलसिला। हमारा जमावड़ा भी हो गया हुआ है और हमारे जमावड़े के बीच में 3 से 4 डिवीजन, उसके साथ में हमारी माउंटेन स्ट्राइक कोर, जो एक स्पेशलिस्ट कोर है, वो भी वहां पर पहुंच गई है। हमारे पैरा कमांडोस पहुंच गए हैं। हमारी जो टिबेटियन फोर्स है, यानी कि जो विकास बटालियंस हैं, वो भी वहां पर एक्शन कर चुकी हैं और तैयार बैठी हैं, जिनको कि टेरेन के बारे में, टिब्बत के बारे में उनको ज्यादा पता है, बनिस्पत जो चाइनीज आर्मी के इस वक्त लोग वहां पर आए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसी प्रकार से चाइना ने भी अपनी तरफ से देखो देखी के बीच में 20,000 से 30,000 ट्रुप्स अपने किए हैं। उसने J-20 फाइटर्स अपने डिप्लॉय किए हैं, मिसाइल बेस भी एक बना लिया है कि, और साथ साथ में बहुत बड़ी एक्सरसाइज वहां कर रहा है, क्योंकि हमने की तो हमारी देखा देखी वो भी एक्सरसाइज उसने बड़ी कर रहा है। मैं कहूंगा इस वक्त वो सिचुएशन है जो एक दूसरे को साइकोलॉजिकल डोमिनेशन का पीरियड चल रहा है। तो ये स्थिति ऐसी नाजुक है कि अगर कुछ हुआ तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। दूसरी बात कि मैं ये कहूंगा, ना तो चाइना और ना ही भारत चाहता है कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध से कोई भी हासिल चीज नहीं होती है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो है एडवांटेज भारत है और इंडिया के पास में एडवांटेज है। इंडिया भारी पड़ेगा, लेकिन चाइना कोई ऐसी छोटी मोटी पावर नहीं है, वो एक नियर सुपर पावर है। अगर हम समझें कि हम जी ऐसे ही कर लेंगे, तो मैं कहता हूं जितने भी लोग एंकरों पे टीवी पे बोलते हैं कि जी हम तो चाइना को मार देंगे, हम जीत जाएंगे, ये ऐसा कहना ठीक बात नहीं। हम हारेंगे नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये दोनों के हित में नहीं होगी। तो इसलिए जो आपने जिक्र किया, जो 7 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ है, उससे पहले एक बैकग्राउंड दे दूं, फिर हम चलेंगे। बैकग्राउंड ये है कि चाइना ने जो स्टार्ट किया था गलवान घटना के टाइम पे,
उसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते तक, जो लास्ट हफ्ते तक, उन्होंने नॉर्थ ऑफ पेंगांगसो के बीच में बहुत जोर से डोमिनेशन किया, चाहे वो फिंगर्स एरिया है 8 से उठ के 5 और 4 पे, चाहे वो गलवान का इलाका है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, चाहे वो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, चाहे दिप्सांग में, हर जगह में उसने हमें डोमिनेशन किया, हमें बैकफुट पे कर दिया था। लेकिन 29-30 तारीख के बाद में जो साउथ ऑफ पेंगांगसो हमने अपना एक ऐसा अस्त्र चला है जो विकास बटालियन के साथ में, और हमने स्ट्रेटेजिक हाइट्स को ऑक्यूपाई किया है, ब्लैक रॉक, हेलमेट और रेकिंगला, उससे जो है अभी एडवांटेज शिफ्ट होके इंडिया के पास में आ गई है। तो प्रेशर हैज चेंज्ड एंड प्रेशर इज ऑन चाइना। तभी आपने देखा होगा कि वो बात बात करने पे, बातचीत करने पे आमदा है, लेकिन नीचे से चाइना की एक टैक्टिस रही है कि ऊपर से बात करते रहो, एक स्ट्रेटेजिक काम बनाए के रखो, और नीचे से खुतर पुतर अपने लोगों को बोल के एक साइकोलॉजिकल एसेंडेंसी करते रहो। तो ये चीज जो है, तो इस वक्त जो स्थिति है मैंने आपको बताई, 7 तारीख यानी 7 सितंबर को जो हुआ है उसके बीच में ये कथित बयान है कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स का, कि हमारी, हमने फायरिंग की है, उन्होंने जवाबी फायरिंग की है। मुझे नहीं भरोसा और मुझे भी खबर नहीं है, और मैं ये कह सकता हूं जो मुझे वहां से पता लगा है, हमने कोई फायरिंग नहीं की है। पहले चाइना ने साउथ ऑफ पेंगांगसो के बीच में घुस के, और वो चाहते थे कि वो ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप वगैरह पे आ जाएं, जैसे नॉर्थ पे डोमिनेट किया था वहां कर लें, और उनकी हरकत को हमने काउंटर कर लिया। और उस वक्त के बाद में अभी जो स्थिति है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, और उन्होंने शायद मैं कहूंगा फायरिंग वायरिंग की होगी सिर्फ एक डराने धमकाने के लिए या फिर से अपना हौसला करने के लिए, लेकिन कोई झड़प नहीं हुई है, हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है, हमारी तरफ से कोई क्षति नहीं हुई है, और एडवांटेज स्टिल एडवांटेज इंडिया। जी, जैसे कि आपने कहा कि 29 और 30 अगस्त के बाद स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया है, वो चीन की भाषा में दिखाई देता है, जिस तरीके से उन्होंने 1 सितंबर को बयान दिए थे, चाहे वो यहाँ पर चीन का जो दूतावास है उसने बयान दिया हो, या फिर विदेश मंत्रालय ने, या फिर वहां की पीएलए आर्मी ने। हमने ये भी देखा कि पिछले हफ्ते जो एससीओ की जो मीटिंग रशिया में हुई है, वहां पर किस तरीके से उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की, गुजारिश की, और मुलाकात हुई भी, लेकिन ये बातचीत की एक तरफ कोशिश और दूसरी तरफ पीएलए का ये नजरिया, जैसे कि आपने कहा कि वो दो मुहे बातें, दो मुहे कारण में करता रहा है, तो क्या हम मान के चले कि आगे भी इसी तरह की स्थिति होगी, वो एक तरफ तो कोशिश करता रहेगा कि बातचीत हो, दूसरी तरफ पीएलए और लगातार जो एस्केलेशन है वो लगातार करता रहेगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं ये कहूंगा कि चाइना आज ऐसी स्थिति में है जो पूरे वर्ल्ड में अलग थलग पड़ गया हुआ है, और उसका मल्टी फ्रंट के ऊपर में वो फाइट कर रहा है। साउथ चाइना सी में वो घिर गया हुआ है, क्योंकि 7 देश इकट्ठे हो गए हुए हैं, भारत का भी जो जहाजी बेड़ा वहां पर पहुंच गया है, वहां पर ताइवान उसको आंख दिखा रहा है, उसके बाद में हांगकांग, उसके बाद में टिबेट के बीच में फिर वो आग सुलग रही है, ईस्ट तुर्किस्तान यानी कि जिंगजियांग में भी ऐसा हो रहा है, उसकी अंदर से इकोनॉमी गिर गई है, और बहुत हो रहा है। तो चाइना इस वक्त एक बड़े प्रेशर में है, और जब आदमी बिल्कुल कॉर्नर हो जाता है ना, तो वो कोशिश करता है कि मैं, क्योंकि चाइना एक छोटी पावर नहीं है, तो चाइना ये कभी भी नहीं कहेगा कि सिर्फ मैं चुप करके बैठ जाऊं और आओ चलो समझौता कर लें, वो अपना एक एज ऊपर रखना भी चाहता है, आफ्टर ऑल है तो वो अपना एज रखना चाहता है। तो मेरे अंदाजे में चाइना कभी भी यूनिलैटरली ये नहीं बोलेगा चलो हम समझौता कर लेते हैं, चाइना बातचीत जारी रखेगा और जमीन के ऊपर में अपनी स्ट्रेंथ दिखाता रहेगा, बिकॉज चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ एंड इंडिया हैज शोन स्ट्रेंथ। सो नाउ ये चीज सिलसिला चलता रहेगा,
और हमें शायद जिसको बोलते हैं ना एक लॉन्ग हॉल करना पड़े, विंटर्स के बीच में भी करना पड़े, क्योंकि दोनों अभी ऐसी स्थिति में आ चुके हुए हैं कि एक दूसरे को बोलते हैं ना जो बेइज्जती, इतनी बड़ी पावर वो चाइना जो हिंदुस्तान से इस वक्त इस कगार के ऊपर में है कि साइकोलॉजिकली और दूसरे से हारने की स्थिति में और लड़ाई लेने की स्थिति में नहीं है, तो चाइना भी अपना मुंह सेविंग फेस सेविंग करना चाहता है और इंडिया अपना प्रेशर बनाए रखना चाहता है। तो इसका सार यही है, चाइना कोशिश करता रहेगा कि उसका सर ऊंचा रहे और वो फेस सेविंग में इंडिया की तरफ से वो बातचीत करता रहे और कहीं ना कहीं ये बात कल जाए। ये चाइना के बीच की बात बोल रहा हूं, और वो कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध वो छेड़े। मैं कहूंगा कि वो नहीं युद्ध छेड़ेगा, और मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान भी युद्ध नहीं छेड़ेगा। तो ये दोनों नहीं छेड़ना चाहते हैं, लेकिन कौन अपना मुंह बचाना चाहता है ये आप समझ गए। जी, आपने एक बात कही कि मल्टी फ्रंट वॉर कहीं ना कहीं चाइना लड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये इतना ज्यादा है कि लगभग ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान या फिर ईरान जैसे देशों को छोड़ दे, या फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़ दे, तो ऐसा लगता नहीं कि उसके साथ कोई खड़ा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में अगर बात लिमिटेड एक बैटल की तरफ आगे, लिमिटेड वॉर की तरफ आगे बढ़ती है, तो भारत कितना तैयार है? क्या उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों की तरफ देखना चाहिए, या फिर हम पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाइना कोई छोटी मोटी देश नहीं है, छोटा मोटा पावर नहीं है, जो वो एक बहुत ही मजबूत देश और पावर है। जो बोलते हैं कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो हमारी तैयारी है, अगर लिमिटेड वॉर होती है लद्दाख के सेक्टर में, तो हम उसको ब्लडी नोज, उसको हो सकता नहीं, हम उसमें जरूर हम जीतेंगे, लेकिन बहुत क्षति होगी, क्योंकि उसके पास में भी एक इनडायरेक्ट वॉरफेयर का, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का, और दूसरा जो ईएमपी वगैरह दूसरा इंट्रोडक्शन के तरीके हैं वो उसके पास में भी काफी हैं। लेकिन लिमिटेड वॉर होने पे हमारी कई कई जगह में जरूर हमारी जीत होगी। इस वक्त जैसे आपने पूछा कि क्या हमारी क्षमता है कि हम अकेले ही उससे लोहा ले सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ, और साथ में ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा हमें अपने आप पे एहतियात बरतना चाहिए। हमारा मुंह नॉर्थ की तरफ में है, चाइना की तरफ में, और उसका ऑल वेदर फ्रेंड जो पाकिस्तान है, धूर्त है, रोग है, वो हमारे बैक में हो जाएगा। और अगर कहीं पर युद्ध निकला, अगर लिमिटेड भी हुआ लद्दाख सेक्टर में, तो मैं कहूंगा ये धूर्त इस मौके का फायदा जरूर उठाएगा। तो उस वक्त जब हमने दो तरफ में लड़ना है, हमारी तैयारी अगर लिमिटेड रही, मतलब हमारा फ्रंट अगर लिमिटेड रहा, जम्मू कश्मीर में लद्दाख फ्रंट और इधर से जेएनके का फ्रंट रहा, तब भी हम सक्षम हैं दोनों को लड़ने के लिए। लेकिन अगर ये पूरी फैल जाती है, तो हमें जरूर मदद चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि हमारे पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही पूरी वर्ल्ड की। अमेरिका खुले आम हमको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो अगर ऐसी क्या बोलते हैं नौबत आई जिसके बीच में कि पूरा नॉर्दर्न फ्रंट एक्टिवेट हो गया और वेस्टर्न फ्रंट एक्टिवेट हो गया, उस टाइम पे देखेंगे, शायद जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन आज जरूरत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में लद्दाख फ्रंट एक्टिवेट चाइना कर देता है और कश्मीर का जो पीओके वाला फ्रंट वो कर देता है, तो शायद हम अपने आप में उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सही कहा आपने, सेना तैयार है और देश भी तैयार है, देश एक एकजुटता के साथ खड़ा है सेना के पीछे। सेना या ये कहें कि हम जो फ्रंट पर जो वॉर है वो तो एक अलग हिस्सा है, लेकिन जो इकोनॉमिक स्तर पर जो वॉर कह सकते हैं, हमने देखा कि बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशन ऐसी थी, लगभग 200 से ज्यादा जो कि बैन की जा चुकी हैं, एक बड़ा बिजनेस था, स्पाइंग का उन पर आरोप लगातार लगता रहा है,
और ऐसे इस तरह के हमें उदाहरण भी देखने को मिले। बाकायदा अमेरिका ने भी कहा कि वो भी ऐसे एप्लीकेशन पे बैन लगा सकता है। इस तरह के जो मेजर्स लिए हैं और इन्वेस्टमेंट अगर चाइना से आ रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट की भी स्क्रूटनी काफी हद तक बढ़ा दी गई है भारत सरकार द्वारा। ऐसी स्थिति में ये जो मेजर्स भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं ये कितने फ्रूटफुल हो सकते हैं, कितने बेहतर हो सकते हैं, कितना प्रेशर डालने की कोशिश में हम कामयाब हो सकते हैं, क्या इस पर आगे हमें बढ़ना चाहिए? अगर हम फुल प्लेज वॉर की तरफ ना जाएं तो एक सेंसिबल कंट्री की तरह बिहेव करें। देखिए आज के युग में जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वही आपकी पावर है, और अगर आप किसी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर में अटैक करते हैं, ये मिलिट्री अटैक करने की क्या जरूरत है, वो तो बाद में आना चाहिए। अगर आप किसी को घुटने के ऊपर में बल ला सकते हो, वो घुटने पे बल पे इकोनॉमिक पे ही है। आपने देखा कि पाकिस्तान घुटने के बल आ चुका है बिकॉज उसको इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिल रही है, उसकी जो बदहाली चल रही है वो तो घुटने पे आ रखा हुआ है। इसी प्रकार से जब आपने मेरे से सवाल किया तो सबसे बड़ी जो मार किसी को लगती है वो है इकोनॉमिक चपेड़ या मार, और उसके लिए भारतवर्ष ने बहुत अच्छा कदम लिया है और अमेरिका ने भी सपोर्ट दी है और कंट्रीज भी करने की तैयारी में है कि हमने पहले 118 एप्स को बैन किया जो चाइनीज की, जो अरबों रुपए में उसका एक स्टेट एक्सचेकर चलाते थे, उसके लिए इकोनॉमिक लाते थे। उसके बाद में हमने अभी और पबजी वगैरह को भी किया है, उसके अलावा जो उसकी इंपोर्ट होती है उनको भी हमने एक ज्यादातर स्क्रूटनी करके उनको रोका है हुआ है। तो इस मामले में क्या हो रहा है कि चाइना को एक इकोनॉमिक धक्का बहुत ज्यादा लग रहा है, और अगर अंदर से उनकी पॉपुलेशन कमजोर होती जाएगी उसके पास में इकोनॉमिक, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हुए हैं और बैठे हुए हैं, तो अंदर का जो एक टर्मोइल है जिसको बोलते हैं इंटरनल राइफ, वो चीज जब चलेगी तो चाइना के लिए बाहर से मारने की जरूरत नहीं, अंदर से ही खाना शुरू हो जाएंगे। और एक तो अंदर से है क्योंकि इकोनॉमिकली वो लोग बलवा कर देंगे, जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस कर देंगे, वो सिविल वॉर टाइप का कर देंगे। जब अंदर से ऐसा शुरू हुआ है तो जो उसकी पेरिफेरी है, जो कितने सालों से बोल रहे हैं ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, और वो ये भी बोल देंगे क्योंकि अंदर आप कमजोर हो गए, बाहर वाले टूटना शुरू है, तो चाइना रह जाएगा एक पुराना, एक कम्युनिस्ट चाइना, वही का वही रह जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा अगर हमको प्रेसिडेंस देना है तो हमारी हमेशा एक नेशनल पावर जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं उसमें जो इन द ऑर्डर ऑफ सीरियल, सबसे पहले तो हमारी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और उसके बाद में मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मिलिट्री लास्ट रंग लेडर में आता है, जब कुछ ना बन सके तो ये बना दिया। तो मैं ये कहूंगा इकोनॉमिकली हमको चाइना को और तोड़ना चाहिए, लेकिन हमारी भी कुछ छोटी मोटी डिपेंडेंसी है उनके ऊपर में, हमारे अपने लोग बेचारे, उनकी हम इकोनॉमी तोड़ते रहेंगे, हमारी भी तो कुछ बहुत असर पड़ेगा, हमारे भी अंदर से कोई रिजेंटमेंट जरूर आएगी। तो एक बैलेंस के तरीके से हमको चलना है कि हम जो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है जिसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हुआ जो अभी तक हमारा क्या है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको उसका गैप कम से कम करें ताकि उसमें हमारी जो है एडवांटेज हो, और चाइना के पास में जितना भी फॉरेन रिजर्व है, अब पहले $3 trillion उसके पास में रिजर्व था, तो वो चीज उसकी घटती जाए, तो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साथ साथ में जो हमारा मिलिट्री फ्रंट है, मैं कहूंगा सिर्फ लद्दाख सेक्टर नहीं, सेंट्रल सेक्टर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल वाला भी, और नेफा वाला जो सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश को जिसको बोलते हैं, हर जगह में हमको तैयारी बरकरार रखनी पड़ेगी। आपने देख ही लिया है कि हमने यहाँ पर लद्दाख सेक्टर में कुछ किया, हमारा साइकोलॉजिकल एसेंडेंसी ऊपर हुआ, उसने दूसरे छोर पे जाकर अरुणाचल में जाके वहां पर लोगों को अगवा कर लिया, और ताकि
उसका जो हमारा अटेंशन है यहां से डाइवर्ट होकर उधर चले जाए, क्योंकि हमारी सारी फोर्सेस ज्यादातर हमारी लद्दाख सेक्टर में कंसंट्रेट हो गई थी। वो चाहता है अभी, क्योंकि हम स्ट्रांग हो गए हैं, तो वो चाहता है हर जगह को एक्टिवेट कर दें ताकि हम हर जगह में थोड़े कम हो जाएं। ये है उसकी स्ट्रेटजी। जी, आपकी बातें सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं हमें तैयार रहने चाहिए, कुछ महीने के लिए नहीं, कुछ साल के लिए, कुछ सही कहें तो 5-10 साल के लिए एक लंबी तैयारी भारत को करनी होगी, तभी हम एक इसका एक एक कहें कि सकारात्मक या फिर ये कहें कि स्थायी हल निकाल पाएंगे। एक और फ्रंट था सर, जिसमें चीन ने बड़ी बदमाशी की। हमने देखा कि हमारे जो कई पड़ोसी देश हैं उन पर अलग अलग प्रेशराइज करके उनको इंडिया के खिलाफ इस तरह के बयानात आए, और इस तरह के हमने देखा कि कोशिश की कि ये जो आस पड़ोसी हैं उसमें आइसोलेट करने की एक तरह से कोशिश की जाए। बांग्लादेश की तरफ से बयान आया, इक्का दुक्का एक दो देशों की तरफ से भी कुछ कुछ इस तरह के प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। इस फ्रंट पे आपको क्या लगता है कि चीन आगे कुछ और कर पाएगा, या फिर हम इस स्थिति में और बेहतर होने की स्थिति में, यानी जिस तरह हमने देखा कि श्रीलंका ने भी बयान दिया कि भारत उनका प्रायोरिटी है, ये एक बड़ा बड़ा कदम था भारत के लिए, बड़ा बयान था, तो इस फ्रंट पे आप किस तरीके से देखते हैं चीजों? आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया है। मैं ये कहूंगा कि चाइना की हमेशा पॉलिसी रही है जिसको बोलते ना डोमिनेशन पॉलिसी, हम इसको एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बोलें या हम इसको डोमिनेशन, वो नहीं बोलता है। वो बोलता है कि मैं तो हर इलाके में इकोनॉमिक उनकी जो जो अच्छी उन्नति के लिए मैं जाता हूं, तो उस हिसाब से उसने पहले शुरू किया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि भारत के चारों तरफ सदन पेरिफेरी में था, उसमें उसने तो वो वहां पर पहुंचा, उसने उनको लोन वगैरह दिया और उनको ऐसे कर्ज में उनको डाल दिया कि वो उनके ही होते चले गए। चाहे आप श्रीलंका की बात ले लें, चाहे आप कंबोडिया की बात ले लें, चाहे आप सोमालिया की बात ले लें, चाहे आप जो चारों तरफ में हमारे हैं, उन्होंने नीचे की तरफ में पहले ये कोशिश की, वो उसको सदर्न पेरिफेरी पे बोला स्विंग अपवर्ड्स। अभी उसने देखा कि आज वो प्रेशर में है नॉर्थ से, और सदन वाले में से इतना कर नहीं सकते, क्योंकि सदन वाले तो तब एक्सप्लॉयट कर सकते हैं कि जब वो साउथ चाइना सी से निकल के मलक्का स्ट्रेट से होके इंडियन ओशन के बीच में आएगा। हमने तो आने नहीं दिया, हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में हमारी जो लग गई है, तो उससे वो तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला काबिल नहीं रहा। तो उसने देखा नॉर्थ में प्रेशर है, तो नॉर्थ में प्रेशर को मैं कैसे थोड़ा सा ईज करूं और हिंदुस्तान के अगेंस्ट कैसे करूं। पहले तो पाकिस्तान को तो उसने पहले से ही हमारे से दूर किया हुआ है, उसके बाद में उसने कोशिश की कि वो नेपाल को भी करे, वो लिपू लेख काला पानी वगैरह की जगह के बीच में उसने उसको कर दिया। उसके बाद में उसने कोशिश की है भूटान के साथ में भी ऐसा करने की, बांग्लादेश के साथ में भी, ताकि हम ऊपर से इस प्रकार से जैसे नीचे से गिरे थे ऊपर से भी गिर जाएं, जिसको बोलते हैं इंटरनल पेरिफेरी जो हमारी है, जो इमीडिएट नेबरहुड जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा चारों तरफ से एक स्ट्रैंगल होल्ड हो जाए और हम उस प्रेशर में आके हम अपने आप ही बोलें कि चलो हम इस चीज के ऊपर में समझौता करते हैं। तो ये प्रेशर बनाने की उसकी टैक्टिक्स है। आज हमारे पास में जितने भी ये देश थे, जैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, हमने उसको कितने ही सालों से इतनी मदद की है, शायद हम इतनी मदद हम उसको फ्री में करते हैं क्योंकि हम उनको अपना समझते हैं, क्योंकि वो हमारे हिंदू भाई हैं और हम और हमारे साथ में उनका कोई ओपन बॉर्डर है, उसके बीच में हमने कोई नहीं रखी हुई है, तो वो इतना भाईचारा है। उसके बाद में आप देख लीजिए भूटान, देख लीजिए भूटान हमारी कसम भी नहीं खाता है। उसके बाद में आप देख लिए म्यांमार भी हमारे पास में नजदीक आया है, बांग्लादेश के साथ में हमारे फेंसेस मेंड हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक टिपिकल चीज है जिसके कारण वो कभी इस तरफ स्विंग लेती है, कभी उस तरफ स्विंग लेती है, तो वो यानी कि वो वहां पर आ सकते हैं झांसे में। हमारी जो लुक ईस्ट रिवाइवल पॉलिसी थी, जिसके बीच में वियतनाम को हमने चाइना से दूर कर लिया, हमारा पक्का दोस्त कर लिया,
और इसी प्रकार से नीचे वाली जो उसके चाइना के बेस की कंट्रीज हैं उनको हमने करना शुरू कर दिया है। तो आज अगर मैं कहूंगा कि हम आज इस स्थिति के बीच में हैं, इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग नेशन हैं, मिलिटरली हमने प्रूव कर दिया हुआ है, अमेरिका तक हमारा लोहा मानना शुरू हो गया हुआ है, तो हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी अच्छी हो रही है, थोड़ा बहुत फेर बदल करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, हम काबिल हैं, हम कर सकते हैं, नेपाल वापस हमारे पास में आए ताकि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो है सिक्योर रहे, भूटान को हम हिलने न दे, बांग्लादेश को चाहे कुछ भी हमको करना पड़े, देना पड़े, एड करना पड़े, तो आफ्टरऑल बड़ा भाई छोटे को अगर कुछ ज्यादा कुछ देता रहेगा तभी तो उसके साथ में जुड़ा रहेगा ना। अगर चाइना उनको देना शुरू कर देगा और हम नहीं देंगे तो वो उसी के पास में ही जाएगा, जिसको बोलते हैं ना जो 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 थोड़ा गरीब होता है तो उसी प्रकार से जाता है। तो हमारी जो पॉलिसी है इस वक्त थोड़ी सी एक टेक्टोनिक शिफ्ट करनी पड़ेगी और हमको और जो एक दरिया दिल बनना पड़ेगा, ज्यादा इनको करना पड़ेगा और हम काबिल हैं, कर सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट ने ये किया भी है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो जो ये देश चाइना के पास में अभी जो लेटेस्ट जा रहे हैं हम उनको वापस ले सकते हैं। लेकिन सर चाइना कितनी भी कोशिश करे नेपाल में सरकार को से बयान वो भले ही दिलवा ले, लेकिन जो 5000 साल की साजिश संस्कृति है उसमें दूरी कैसे वो पैदा कर पाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो हाल ही में नीमा तेंजिन का जिस तरीके से हमने देखा कि वो वहां पर शहीद हुए और उसका एक पब्लिक एक तरीके से हमने देखा कि फाइनल जर्नी हुई वहां पर, सिक्योरिटी जो जो फ्रंटियर सिक्योरिटी जो फोर्सेस है इससे क्या कुछ नया मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या इसमें भी कोई मीनिंग है या हम मान के चले कि ये एक रूटीन सुंदर था। देखिए कि हमने जो एक नया अस्त्र अपनाया है वो टिबेटिन ओरिजिन का ही है, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट 22 1996 से हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहां पर हमने 5 विकास बटालियन जो प्योरली टिबेटिन लोगों से ही है, मतलब तो पूर्वज वहां के रह चुके हुए हैं और कई लोग तो उस टाइम के भी हैं, तो वो हमने जो बनाया है वो हमारे पास में एक ऐसा अस्त्र है, क्योंकि एज इट इज टिबेट को तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है और उनके बीच में वो अपने डंडे के जोर पे वो उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। जब हमने इसको इस्तेमाल किया, आपने देखा साउथ ऑफ पेंगोंग के बीच में हमने किया, उन्होंने कितनी बहादुरी के साथ में, क्योंकि वो शेर हैं उस इलाके के, वो चप्पा चप्पा जानते हैं और वो जरा जरा जानते हैं, वो लोग वहां लड़ने में ज्यादा सक्षम है एज कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना वाले मेनलैंड चाइना से आते हैं जितने भी आए हैं, वो उनके वाले जो है पूरे ट्रेंड नहीं है, उन्होंने कहां लड़ाइयां देखी हैं, उन्होंने मैं तो बोलता हूँ 1975 के बाद में तो उन्होंने कोई लड़ाई नहीं देखी, वियतनाम के साथ में थोड़ा बहुत छुटपुट देखा था, उसके बाद में इतनी ट्रेंड और इतनी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, उनके पास में नंबर्स है, स्ट्रेंथ है, जिसको बोलते हैं क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी भी वो बना रहे हैं, लेकिन एक जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस वो हमारे पास में ज्यादा है। तो इस वक्त अगर मैं ये कहूंगा कि मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो टिबेटिन हमारे हैं ये कार्ड को हमको इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए। दूसरा जो लद्दाखी हैं वहां के, मैं उनको सलाम करता हूं कि लद्दाखियों ने देखो क्या जज्बा दिखाया है। अरे वो जो 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 कल फ्यूनरल हुआ है उसके बीच में मैं कहता हूँ बड़े से बड़े नेता जैसा जो एक ऐसा उसको उन्होंने वो दिया है, तो उनका एक जज्बा यानी कि चाइना उधर आएगा भी तो उसको एक जो गुरिल्ला वॉरफेयर में मार खाएगा तो वो नहीं होना। तो दूसरा जो ये हमारे टिबेटियन फोर्सेस हैं यानी कि विकास फोर्सेस हैं, इनको अगर चाइना आगे भी आने की कोशिश करता हम पीछे इंडक्ट करके उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को काटते रहेंगे, तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब गलवान घटना हुई थी उसके 2 दिन बाद में 3 चीजें मैंने कही थी वहां उस टाइम पे। सबसे पहला कि भारतवर्ष आज प्रेशर बनाए रखना है, हमने अपना वो छोड़ना नहीं है। सबसे पहला बोला था कि प्रेशर बनाए रखना है,
और हमें अडिग नहीं होना है, क्योंकि गलवान में ऑलरेडी हमने मारा था तो उनको चपेट लगी थी, तो उन्होंने थोड़ा कुछ तो बदला को लेने की कोशिश करनी थी। मैंने कहा कि प्रेशर बना के रखना चाहिए था। दूसरा मैंने जो चीज उनको बोली थी कि हमको चाइना की दुखती रग के ऊपर में हाथ रखना है, उसकी दुखती रग जो मैंने पहले भी बोली है, जो उसकी पेरिफेरी है, ताइवान है, हांगकांग है, तिब्बत है, टिबेट है और जिंगजियांग है, इसकी दुखती रग के बीच में हमको करना है। और मैंने तो ये भी कहा था कि हम क्यों डरते हैं, दलाई लामा को हमने शरण दी, इनके इतने टिबेटियन हमारे पास में आए हैं, मैंने उस टाइम पे भी कहा था ये टिबेटियन कार्ड खेलो, टिबेट को अगर जरूरत पड़ती है तो ऑफिशियली रिकग्नाइज कर दो, चाइना को एक मार दो। मैंने कहा था ये विकास फोर्सेस जो है हमारी, इनको एम्प्लॉय करो, ये चेक किया जा सकता है, मैंने कहा था इनको एम्प्लॉय करो, और आज ढाई महीने के बाद में इन्होंने उनको एम्प्लॉय किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैंने ढाई महीने पहले बोला था वो आज इन्होंने किया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है, हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, और इनको हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथा मैंने बोला था, क्योंकि जब गलवान के इंसिडेंट हुआ था तो देश में इतना ज्वार उमड़ पड़ा था कि चाइना को खदेड़ दो, है उनको उनको मार दो, उनको निकाल दो, उनको जंग ले लो, ये हमारे बीच में वो था। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि जंग से कुछ सुलझेगा नहीं, और स्पेशली इतनी हाई एल्टीट्यूड में माउंटेन्स के बीच में इतनी फाइटिंग डिफिकल्ट होती है, डायरेक्ट अप्रोच यानी कि चाइना के साथ में हम युद्ध करके उस जगह में लिमिटेड युद्ध करके उनको निकालने की बजाय हम किसी और जगह पे जाएं, इनडायरेक्ट अप्रोच लगाएं, किसी दूसरी जगह में जाके स्ट्रेटेजिक हाइट्स को ऑक्यूपाई करें जो उसके इलाका हो, ताकि वो हम बोले कि तुम हमारा खाली करोगे तो तुम तुम्हारा खाली करेंगे। वही चीज हमने साउथ अपेगंगसो में की है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने वो कहा था और वो आज ढाई महीने के बाद में वैसा हुआ है। यही अप्रोच हमको हर जगह में करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना हर जगह मजबूत नहीं है, वो कहीं मजबूत है, कहीं हम मजबूत है, वो हमारे पास में अगर प्रेशर बनाता है हमने उसका काउंटर प्रेशर बनाना है। तो यही तो एक पूरी एक स्ट्रेटेजी है, उसके तहत हमको जरूर काम करना चाहिए। मैं देशवासियों को नमन करना चाहता हूँ, शत शत प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी सपोर्ट दी है, देश एकदम इकट्ठा हो गया है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नाम नहीं किसी का, जो हमारा एक लीडर है मोदी जी है, उन्होंने जिस जज्बे के साथ में हमने चाइना को पहली बार एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, और चाइना थोड़ा सा झुक गया हुआ है, बातचीत के लिए आ रहा है, ये सिर्फ हमारे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण हुआ है, और उसकी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के कारण हुआ है। और सबसे बड़ी, उनसे भी बड़ी चीज जो मैं बोलूंगा, भारतीय फौजों के पराक्रम से हुआ है। जी, आपने एक बात और कही कि आपने कहा कि पहले जो जो बातें की थी वो सब सच साबित हुई है, अभी ये भी कहा कि अगर चाइना कोशिश करता है तो उसकी हार निश्चित है, हमें पूरा विश्वास है सर। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से हमें समझाया, हमने पूरी स्थिति को जानने की कोशिश करी। हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो भारत के पास भी चीन को सबक सिखाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।